माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको हमारे इसी चैनल पर डेली मैथ का एक क्लास दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे ला सकेंगे और क्वेश्चंस को किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके सामने पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है। इससे पहले के 3 पार्ट मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बार देख लें, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो आज का पार्ट नंबर 4 है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और इसका पहला क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आपसे कह रहा है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा गया है, और ये सवाल जो है 2020 में आया हुआ भी है। ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आप लोगों को देखना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर फर्स्टली आपको पहले सूत्र समझ लीजिएगा। यदि आपके बिंदु जो है, यदि बिंदु आपके x1, y1 तथा x2 और y2 हो, ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, तो आपका ये मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होते हैं, बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है। ठीक है, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। लेकिन आपको बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, देखो आपसे यहाँ पे क्या गया है कि -2,6 और आपसे कहा गया है -2,10, इसका निकालना मध्य बिंदु। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x1, ये लिखेंगे y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो मध्य बिंदु के क्या यहाँ पर हो जाएंगे, देखो मध्य बिंदु हो जाएंगे आपके यहाँ पर, मध्य बिंदु के x1 + x2/2, y1 + y2/2 ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर देखिएगा x1 कितना हो जाएगा आपका -2, x2 कितना है -2 बट्टे में, तो करेंगे 2, y1 6 है प्लस y2 कितना 10 है, बट्टे में करेंगे 2। ठीक है, यही ना क्वेश्चन आपका, दोनों माइनस माइनस लगा हुआ है। देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लें, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कि -2, -4/2 और -10 और 6 16/2। ये हो जाएगा, इसको भाग कर लेंगे 2 से हम लोग, तो 2 से भाग करेंगे, 2 × 2 = 4, तो -2, 2 = 8, तो -2,8 हो जाएंगे आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो आपका ये सवाल सॉल्व हो गया, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं हम कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण x²+2x-p=0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2020 में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो आपको दिया गया है समीकरण आपका x²+2x-p=0, हमसे कह दिया गया एक मूल -2 है। एक मूल का मतलब ये है कि x का मान -2 है। मूल का मतलब होता है मान, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मूल दे रखा है, मतलब x बराबर आपका मान दे रखा है -2, हमें ये रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए x²-2 समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी आपकी कि -2 का स्क्वायर + 2 × -2 + 2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हम लोग थोड़ा माइनस कर लें, यहाँ पर ये प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हम लोग उसको तो यहाँ माइनस का था पी, तो माइनस का पी बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक, कितना हो गया? माइनस दो का वर्ग करेंगे हो जाएगा चार, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस का, दो दूनी चार, माइनस का पी बराबर जीरो। ये प्लस माइनस खत्म कैंसिल, तो माइनस का पी बराबर आ गया जीरो। इसका मतलब क्या है कि पी बराबर हो जाएगा आपका जीरो। आपसे पी का मान पूछा गया है, तो पी का मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, बस यही पूछा गया था। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें पूछी गई है। मैंने आपको बताया था कि एक आप कॉपी बना लीजिएगा, उस पर हल करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु 3.4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदु 3.4 की मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए मूल बिंदु क्या होते हैं ये भी देख लीजिएगा। अगर बात की जाए आपसे तो मूल बिंदु जो होते हैं, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं पता है आपको? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0.0। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि 3.4 और मूल बिंदु से दूरी 0.0, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसे लिखेंगे x1, इसे लिखेंगे y1, इसे लिखेंगे x2, इसे लिखेंगे y2। बीच की दूरी के लिए d, ये डिस्टेंस वाली दूरी होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अंडर रूट x1 का मान कितना है 3, माइनस x2 का मान 0, तो 0 लिख देंगे। होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4, माइनस का 0 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर अंडर रूट 3 से जुड़ जाएगा बचेगा 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर। 4 से जुड़ जाएगा 4, बचेगा 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब अभी देखो आप लोग, तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 4 6 16 हो जाएगा, जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा, और ये 25 बाहर आ जाएगा कितना जाएगा 5। ये 5 मात्रक लिख सकते हैं हम लोग, या यूनिट लिख सकते हैं, या आप लोग इकाई लिख सकते हैं। इनमें से कोई आप एक लिख दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 5 मात्रक लिख दें या इकाई या यूनिट कोई भी लिख दें आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 10a = 4/3, तो से के का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले से ही ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़, पहले वाली वीडियो में साइन कॉस टेन के फॉर्मूला में बता दिए थे। तो 10a = आपको दिया गया है 4/3। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब हमें यहाँ पे कर्ण नहीं पता है, तो पहले हम लोग कर्ण पता करेंगे ना। तो लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इसको सॉल्व कर लो एक बार। तो आधार का मान दिया गया है 3, तो करेंगे 3 का स्क्वायर। लंब दिया गया है 4, तो करेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 होता है 25, और 25 को लिखेंगे बाहर, लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पर आपकी कर्ण आ जाएगी 5 इकाई। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर सेक ए, तो सेक ए के लिए फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको दिया गया है 5, आधार आपको दिया गया है यहाँ पर 3, तो 5/3 आपका जो आ जाएगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, परिमाप का अनुपात दिया गया है। 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया हुआ है। देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, किसका फॉर्मूला कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर ये होता है कि परिमाप का अनुपात का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं, परिमाप का अनुपात इसका स्क्वायर निकाल देते हैं बस। ठीक है, देखो उसको निकालेंगे हम लोग। परिमाप का अनुपात कितना है, 40 एक का है, एक का है 60, तो उनका रेशियो हो जाएगा 40 60, इसका करेंगे स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4 और 2 3 6, तो हो जाएगा बराबर आपका 2/3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4 रेशियो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9। ये बात भी समझ में आई होगी आप लोगों की, कुछ नहीं होता है इन सवालों में।
ठीक है, इस टाइप से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर दो है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2019 में आया हुआ है, मान लेते हैं कि माना संख्याएं बराबर मान लेते हैं x कामा y, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। प्रथम शर्त आपको रखी है, प्रथम शर्त रखी है, क्या शर्त रखी है कि अंतर दो है, अंतर माने घटाना, मतलब x माइनस y बराबर कितना है दो, इसको समीकरण लिख सकते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है इसको समझो आप लोग, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग कितना है, योग है आपका 34 34 है, समीकरण दो डाल सकते हैं इसको, संख्याएं ज्ञात करनी है, ये तो हमें करना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, बस उतना काम करेंगे, इसके बाद सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर, समीकरण एक का वर्ग कर दें, हम लिखें यहाँ पर, अगर हम लोग लिख लें यहाँ पर समीकरण एक से, क्या लिखा हमने समीकरण एक से, क्या था समीकरण एक, x माइनस y बराबर था दो, इसका हम करें दोनों वर्ग करने पर, तो इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो देखो वर्ग कर दो आप लोग, तो ये सूत्र होता है a माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का होता है 2xy बराबर दो दूनी चार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होता है 34 दिया गया आपको यहाँ पर सेकंड में, तो यहाँ पर ये दिया गया है तो यही मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, माइनस का जाएगा 2xy बराबर हो जाएगा 4, 4 को उधर लेंगे 2x बराबर ले जाएंगे तो जाएगा 34 प्लस 34, इसको हटाओ क्या हो जाएगा 34, ये माइनस का हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा आपका 2xy, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 बराबर 2xy, और यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा, मतलब xy का मान आपका आ जाएगा 15 यहाँ से, क्लियर, एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखिएगा अगर हम लोग थोड़ी सी बात को समझें तो थोड़ी सी बात को समझ सकते हैं, क्या समझना है कि ऐसी दो संख्याएं अगर जिनका अंतर करें हम, देखो यहाँ पर देखो x माइनस वाई कितना हो जाएगा दो, और x इंटू वाई मतलब 15, मतलब यही संख्याएं दो, या चाहे आप लोग x प्लस वाई का मान निकाल लें, क्योंकि आपके लिए ये काम नहीं करेंगी क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म से नहीं लगाना है, ठीक है, आपको सॉल्व फुल तरीके से लगाना है, देखो हम आपको बताते हैं फुल तरीके से लगा लेंगे, अब समझ लेना इस बात को अलग नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इतनी जगह इतने में सॉल्व कर लेंगे साइड में, ठीक है। अब देखो पहली बात यहाँ पर है, हम लोग पहले निकालेंगे x माइनस y दिया गया है, हम x प्लस y निकाल लेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस y बराबर फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखो सही से देखना, और यहाँ पर करेंगे प्लस 4xy, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, तो कितना जाएगा बराबर अंडर रूट x प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब दो है तो इसका दो का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 15, एक्स वाई का मान 15 है, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा दो का वर्ग 4 प्लस 15 चौक 60, 60 4 हो जाएगा आपका अंडर रूट 64, इसका मान होता है आपका 8। तो इस प्रकार से आपके दो समीकरण बन जाएंगे, एक आपका समीकरण बन जाएगा कि यहाँ पर कि x प्लस y बराबर 8, दूसरा x माइनस y बराबर 2, ये जोड़ लेंगे हम लोग जोड़ने पर, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 8, तो 10 दो पंचे 10, तो x का मान आपका जाएगा 5, जब x का मान 5 आ जाएगा तो यहाँ पहले समीकरण में देखो इसमें x माइनस वाई था पहले में दो, या इसमें देख लो तीसरे वाले समीकरण को, हम तीसरा का समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी आ जाएंगी 5 और 3, संख्याएं ज्ञात हो गई, बस यही ज्ञात करना था हमें, तो संख्याएं ज्ञात हो गई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु x कामा y 1.2 7.0 संरेखीय हो, तो संबंध ज्ञात करना है, देखिए संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो जीरो होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिंदु लिखेंगे पहले, सवाल लगाएंगे किस टाइप से लिखेंगे पहले बिंदु, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें पेन का, हम लोग पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर,
बिंदु लिख लेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा एक्स कामा वाई दिया गया है, एक हमें दिया गया एक कामा दो, एक हमें दिया गया सात कामा जीरो, हमें तीन बिंदु देखे हैं। हम लिख लेंगे एक्स वन, यह है वाई वन, यह है हमारा एक्स टू, ये हमारा है वाई टू, ये हमारा एक्स थ्री, ये हमारा वाई थ्री। हम लिखेंगे बिंदु संरेखी हैं, तो बिंदु कैसे हैं? बिंदु आपके जो हैं वो संरेखी हैं, बिंदु संरेखी हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वन बाय टू, इसको याद कर लेना, बाय टू माइनस बाय थ्री प्लस एक्स टू बाय थ्री माइनस बाय वन प्लस एक्स थ्री बाय वन माइनस बाय टू बराबर ये होता है आपका जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि एक्स वन बाय टू माइनस बाय थ्री प्लस एक्स टू बाय थ्री माइनस बाय वन प्लस एक्स टू बाय थ्री माइनस बाय वन प्लस एक्स थ्री बाय वन माइनस बाय टू बराबर जीरो, ये हमारा फॉर्मूला होता है संरेखी के लिए। ठीक है, इसको हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखो एक्स वन का मान पुट अप करेंगे यहाँ पर हम लोग। एक्स वन का मान कितना आपका है? एक्स, तो एक्स लिख लेंगे। बाय टू का मान देखो दो लिखा हुआ है, माइनस बाय थ्री का मान ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो प्लस एक्स टू का मान एक, बाय थ्री का मान जीरो, माइनस बाय वन का मान बाय, प्लस एक्स थ्री का मान सेवन और बाय वन का मान बाय, माइनस बाय टू का मान दो बराबर जीरो। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका दो, प्लस एक यहाँ बचा माइनस का बाय, प्लस का सात ये है बाय माइनस का दो, उसको सॉल्व कर लो फटाफट से एक बार। तो दो एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर, माइनस का बाय हो जाएगा, प्लस का सात बाय माइनस का चौदह बराबर जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दो एक्स प्लस का ये बचेगा सिर्फ यहाँ पर छः बाई और माइनस का चौदह बराबर जीरो। अगर इस समय ये तो समीकरण एक तो ये संबंध हो गया, अगर ऐसा लिखें तो आप लिख सकते हैं दो कॉमन ले, दो से भाग कर दें पूरे समीकरण में, तो हो जाएगा एक्स प्लस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो। या आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं दो से भाग देने पर। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा? एक संबंध बन जाएगा एक्स और वाई में। तो ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि a कामा जीरो जीरो कामा b तथा x कामा वाई संरेख हों तो सिद्ध कीजिए कि x बटा a प्लस y बटा b बराबर एक। हमें ये सिद्ध करना है। बिंदु संरेख हैं हमें पता है, देखो हमें यहाँ पे दिया गया है बिंदु दिए गए a कामा जीरो, ये तीनों बिंदु देखे हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये एक्स थ्री, ये वाई थ्री। अब देखो बिंदु संरेखी है तो क्या है? बिंदु संरेखी है तो कंडीशन होती है कि एक्स वन बाय टू माइनस बाय थ्री प्लस एक्स टू बाय थ्री माइनस बाय वन प्लस एक्स थ्री बाय वन माइनस बाय टू बराबर जीरो। एक्स वन का मान कितना है यहाँ पर? ए। बाय टू का मान बी, माइनस बाय थ्री का मान बाय थ्री का मान आपको दिया गया यहाँ पर, ये देखिए बाय, प्लस एक्स टू का मान जीरो, बाय थ्री का मान बाय, बाय वन का मान जीरो। ठीक है, एक्स थ्री का मान है आपका एक्स और यहाँ पर बाय वन का मान दिया गया जीरो, माइनस बाय टू का मान बी बराबर जीरो। इस प्रकार से दिया गया मान, हमने मान ऊपर देख कर पुटअप कर लिया। यहाँ पर मान पुटअप होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी बात को समझते रहिएगा आप लोग। मान तो मैं रख लिए हैं, अब गुणा कर लेंगे। ठीक है, हम लोग तो गुणा करेंगे इसकी फटाफट से। ए बी की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? ए बी माइनस का ये हो जाएगा आपका ए वाई, जीरो का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और एक्स का बी में करेंगे तो जाएगा माइनस का एक्स बी बराबर जीरो। ओके, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी बराबर जीरो, जीरो इसको ले आना नहीं, तो ए बाई को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा ए बाई और प्लस का हो जाएगा आपका एक्स बी। तो हमने लिख दिया इसको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब दोनों प्रत्येक समीकरण में के पूरे में क्या करेंगे? ए बी से भाग कर देंगे। इतना काम करना है, देखो तो ए बी से यहाँ पर भाग कर देंगे, ए बी से यहाँ पर भाग कर देंगे, ए बी से हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे, ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ से ए से ए खत्म हो जाएगा, यहाँ से बी से बी खत्म हो जाएगा। तो सवाल बनेगा, या कि आपको इस साइड वाले को हम पहले पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो ये बनेगा जाके कि आपका एक्स अपान ए लिख लेंगे पहले इस वाले को, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस बचा हमारा यहाँ पर अगला वाला है बाई बटे बी, और बराबर बचा हमारा एक। इस प्रकार से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हमसे पूछा था सिद्ध करने के लिए कि एक्स अपान ए प्लस बाई बटे बी बराबर एक, तो यही आपका सिद्ध हो गया है। क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है आपका। ठीक है, ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। संरेखीय के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब देखो आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। साइन 52 इंटू साइन 23, अब साइन 38 माइनस कॉस 52 और कॉस 38, ये आपके सामने फॉर्मूला रेडी हो चुका है, इसको भी हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, इसको सिर्फ थोड़ा समझना है आप लोगों को। जैसे इसको हम तुरंत हल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है साइन 52, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 52 की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस 38। अगर 90 से हम 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52, बस इतना काम कर लिया। इंटू में है तो इंटू में लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52। अगर 90 से हम 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 38 बचेगा। ठीक है, हमने इतना लिख दिया, माइनस कॉस 52 इंटू कॉस 38, ये हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा है 38, तो कॉस 38 इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 52 माइनस कॉस 52 कॉस 38। देखो सेम चीज लिखी हुई है, तो इससे ये समाप्त हो जाएगी, 0 आ जाएगा आपका, 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये सूत्र होता है आपका, देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है, उस सवाल में नहीं था, बिल्कुल लास्ट सवाल के तब बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, मतलब क्या है कि मीनार है यहाँ पर, तो जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो मीनार यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से 30 मीटर की दूरी पर जो है वो एक बिंदु मान लेते हैं हम लोग, ए बिंदु है। ठीक है, इससे मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार का शिखर ये वाला है, यहाँ पे हमारा बिंदु दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण वो दिया गया है वो कितना है, वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका यह है 30 डिग्री का, कितना है 30 डिग्री का। पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच मीटर मान लेते हैं। ठीक, हमने मान ली कि एच मीटर है, तो इसका नाम बी इसका नाम सी रख लिया हमने, हम लिख देते हैं यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, हमने ये मान लिया। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, कोण के सामने भुजा होती है लंब और निचे आधार, लंब आधार का संबंध टेन और कॉट में होता है, केवल टेन कॉट में, कोण 30 अंश दिया गया, तो हम लिखें यहाँ पर कि टेन 30 बराबर लंब कितना है एच और बेटे आधार कितना है आपका 30, ये लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, बात आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इतना हम लिख सकते हैं टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दोगुना करना पड़ेगा, तो एच का मान आपका आ जाएगा 30/√3, यही रहेगा, √3 को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 30√3/3, 3 दशमलव 30, 10√3 ये क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई हम लिख देंगे, अतः अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी बात समझने वाली ये थी कि ये वाला जो मीटर है ये वाला, ये आपके समझ में आया नहीं आया, देखो तो 30 गुणा करते हैं जब हम लोग, तो उसको देखो यहाँ पर समझाते हैं थोड़ा सा, कि हो जाएगा आपका एच अंडर √3 हो जाएगा बराबर 30 सेकंड 30,
तो यहीं से निकालेंगे, गुणावाची भाग में जाती है तो 23/√3 यहाँ से ज्यादा है, ये वाली चीज जो है वो यहीं से है, ठीक है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 के 10 सवाल हमने लगा लिए हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतना तो आपका काम बनता है। इसके लिए आपसे कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और आप लोगों को ये क्लास फ्री में दी जा रही है, तो कम से कम आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हमें कोई भी अगर हम आपके पास वीडियो भेजते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारे इससे क्लास 10 से रिलेटिव साइंस की वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है आफ्ताब स्टडी क्लासेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।